स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बॉयल्स लॉ। यस, आई नो आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज हम बॉयल्स लॉ को डिराइव करेंगे फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और उसी तरीके से चार्ल्स लॉ को भी डिराइव करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। ठीक है, अब रिसेंटली पिछले वीडियो के अंदर आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ ली। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ बॉयल्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और इट इज ऑल्सो नोन एज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, राइट। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, अब इस चीज को हम डिराइव करने वाले हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर एक पॉस्टुलेट था, आई थिंक पॉस्टुलेट ऑफ नंबर 5, एंड इट सेज दैट प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स रिकॉर्डेड ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। यही था, किसी भी गैस का प्रेशर किसकी वजह से होता है, कि वो गैस किसी कंटेनर की वॉल्स के ऊपर कितनी स्ट्राइकिंग्स लगाती है, कितनी बार वो हिट करती है। ओके, इसी को बेस बनाकर हम इसकी बात करने वाले। प्रेशर मीन्स नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स पर यूनिट एरिया। ओके, इफ द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि बॉयल्स लॉ के अंदर हम टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कॉन्स्टेंट। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स ऑल्सो कॉन्स्टेंट बराबर होंगी, जितनी थी उतनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर है कांस्टेंट, तो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी कांस्टेंट। अब स्पीड अगर कांस्टेंट है, तो प्रेशर उतना ही रहेगा जितना हमने शुरू में मेजर किया था। अब सिचुएशन क्या है, हमने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ओके, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया। पहले वॉल्यूम इतना था, अब हमने वॉल्यूम कर दिया इतना, क्या होगा भाई, वॉल्यूम इंक्रीज्ड। तो यहां पे इतने से एरिया के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, तो पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग ज्यादा थी, क्योंकि जगह कम थी, ठीक है, स्पेस कम था, लेकिन अब वॉल्यूम हो गया इंक्रीज्ड, मॉलिक्यूल्स हो गए दूर दूर, तो पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स क्या हो जाएंगी, डिक्रीज। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स क्या हो जाएंगी, डिक्रीज, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया कम हो गए स्पेस बड़ी होने की वजह से। उल्टा करें, इफ वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, मींस पहले हमारे पास वॉल्यूम इतना बड़ा था, ठीक है, और अब हमने वॉल्यूम इतना सा कर दिया, ठीक है, बड़े हॉल कमरे से छोटे कमरे में ले गए, तो यहां पे लेट इट बी कितने मैं बना रही हूं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, तो इतने से एरिया के अंदर टोटल 3 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे 20 के 20 हम इधर ले आए, तो देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो देखो जितना एरिया मैंने यहां लिया था, उतना ही मैं यहां लूंगी, तो इसमें तो कितने सारे आ गए, 3, 7, 7 प्लस 4, 11। तो जब वॉल्यूम हमने डिक्रीज किया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कर गए, देयरफॉर नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स भी क्या कर गई, इंक्रीज। ओके, वॉल्यूम बढ़ाने पर नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स कर गए डिक्रीज, दैट इज प्रेशर डिक्रीजेस। वॉल्यूम घटाने पर नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स कर गए इंक्रीज, That is pressure increases, ठीक है। Temperature को constant रख दिया, क्योंकि यहां हम किसकी बात कर रहे हैं,
प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स. तो लेट सी हाउ नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स इंक्रीज और डिक्रीज इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. तो शुरू में प्रेशर किसकी वजह से है, नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स. तो अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर वो बढ़ती है, घटने पर घटती है. ठीक है, अब हम चेंज किसको कर सकते हैं, वॉल्यूम को. तो वॉल्यूम अगर बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है. स्कूटर के टायर की हवा आप ट्रक के टायर में डालेंगे तो प्रेशर, ठीक है, और ट्रक के टायर की हवा अगर आप कार के टायर में शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो हाईली प्रेशराइज्ड, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट. तो यहां से आपको बॉयल्स लॉ का रिलेशनशिप मिल जाता है. इसका मतलब अगर हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को घटाना या बढ़ाना है तो आपने ये देखा कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया तो प्रेशर डिक्रीज कर गया, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज किया तो प्रेशर क्या कर गया, इंक्रीज. यही तो बॉयल्स लॉ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ओके, अब इसको जो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशनशिप है ना, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. अब देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है, इट इज पीवी इक्वल टू 1/3 एन एम यू स्क्वायर. आप बार लगाओ चाहे ना लगाओ, दैट हार्डली मैटर्स. ठीक है, ओके. तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू, पीवी इक्वल टू, अब क्या हो गया, देखो 2/2 इंटू 1/3, चलो मैं पूरा स्टेप लिखती हूं, एन एम यू स्क्वायर. तो हमने क्या किया, 2/3 को अलग कर लिया, 1/2 को अलग कर लिया, एन एम यू स्क्वायर. अब आप देखिए ये किसके बराबर होता है, बट ई काइनेटिक इट इज इक्वल टू 1/2 एन एम यू स्क्वायर, ये आपको पता है. ठीक है, ऑल्सो नाउ पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यू विल गेट पीवी इक्वल टू 2/3 ई काइनेटिक, राइट. ऑल्सो ई काइनेटिक इज इक्वल टू के टी, आया कुछ क्या, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बराबर आया था, क्योंकि ई काइनेटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. तो ई काइनेटिक इज इक्वल टू के टी, पुट कीजिए इधर, यू विल गेट पीवी इक्वल टू 2/3 के टी. ओके, अब देखो 2/3 के टी सारे के सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट, देयरफॉर पीवी विल बी इक्वल टू अनदर कॉन्स्टेंट के डैश. ओके, means P is inversely proportional to V or V is inversely proportional to P. This is तीनों ही equation किसकी हैं, Boyle's law. PV equal to constant, Boyle's law. अगर proportionality में लेते हैं तो pressure is inversely proportional to volume or volume is inversely proportional to pressure. तो अब देखो kinetic theory of gases से आपने mathematically भी Boyle's law prove कर दिया. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो इन लॉज को कैसे सपोर्ट करती है. ठीक है, सो हमने क्या किया, जस्ट पहले वाली डेरिवेशन में भी ऐसे ही किया था जब हम ई काइनेटिक की वैल्यू निकालने वाले थे, तो यहां पे जस्ट उसकी वैल्यू को पुट किया और ई काइनेटिक इसके बराबर है के टी, तो ऑल कॉन्स्टेंट्स, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हेंस बॉयल्स लॉ इज प्रूव्ड. ठीक है, नाउ दिस इज बॉयल्स लॉ. ठीक है, ओके. अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ, दैट इज चार्ल्स लॉ के बारे में. ठीक है, तो चार्ल्स लॉ का रिलेशनशिप आपको पता है, इट इज बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. चार्ल्स लॉ अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये कहती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर. ठीक है, इसका मतलब इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस. तो अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? कांस्टेंट. ओके, और चार्ल्स लॉ के अंदर हम कांस्टेंट किसको रखते हैं? कांस्टेंट प्रेशर. चार्ल्स लॉ के ग्राफ जो होते हैं वो आइसोबार्स बनते हैं कांस्टेंट प्रेशर. अब देखिए, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मॉलिक्यूल्स इसका गैस का प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की, उससे क्या होगा? नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स इंक्रीज करेंगी, दैट इज प्रेशर इंक्रीज करेगा. फिर से देखिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो तेज तेज भागेंगे, मींस नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स बढ़ी मींस प्रेशर बढ़ गया. लेकिन प्रेशर क्या करना है? कांस्टेंट. प्रेशर को हमें क्या करना है? कांस्टेंट. तो क्या तरीका है प्रेशर को कांस्टेंट करके रखने का? हम क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखो ये छोटा सा वॉल्यूम था हमारे पास और इसका टेम्परेचर था लेट इट बी 300 और वॉल्यूम था लेट इट बी 10 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, मींस प्रेशर क्या कर गया? इंक्रीज. इस प्रेशर को कम करने का क्या तरीका है? वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, इस कमरे का साइज बड़ा कर दीजिए, उससे क्या होगा? अब ये जो मॉलिक्यूल कंजेस्टेडली यहां पैक थे अब दूर दूर चले गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए तो प्रेशर विल डिक्रीज. ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स डिक्रीजेस, देयरफॉर प्रेशर डिक्रीजेस. ठीक है, तो बढ़ाया गया प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, मींस इट विल बिकम कांस्टेंट. प्रेशर को कांस्टेंट करने का यही एक तरीका है. क्योंकि यहां पे जैसे मान लीजिए शुरू में ये शुरू की कंडीशन है और इसका जो प्रेशर था दैट वाज 740 mm ऑफ मर्करी. हमने टेम्परेचर 300 से कर दिया 310, वॉल्यूम उतने का उतना ही है, तो क्या होगा? इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स बढ़ गई और प्रेशर P1 से P2 हो गया 800. लेकिन मुझे कितना चाहिए? 740. क्या करें? वॉल्यूम बढ़ा दो, नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स कम करेंगे, तभी प्रेशर जो है वो 800 से कम होकर कितना हो जाएगा? 740. तो हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ाया तो नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स कम हो गई और प्रेशर डिक्रीज होके फिर से कितना आ गया? 740. उल्टा चलते हैं, अब हमने टेम्परेचर किया डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज. नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स भी क्या हो जाएंगी? डिक्रीज. इट मींस प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज. उल्टा आ गए, अब बहुत बड़ा वॉल्यूम है, हमने उसका टेम्परेचर डाउन कर दिया, डाउन किया तो नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स कम हो गई, नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स कम हुई तो प्रेशर क्या हो गया? कम. मुझे कितना चाहिए? रिवर्स लेते हैं इसको, प्रेशर मुझे चाहिए 800, लेकिन ये तो 740 है, 60 एक्स्ट्रा चाहिए, तो क्या करें? क्योंकि हम और तो कंडीशन कुछ करेंगे नहीं, तो वॉल्यूम को कम कर दो सो दैट मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आ जाएं, नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स बढ़ जाएं और प्रेशर इंक्रीज कर जाए. ठीक है, तो जब प्रेशर डिक्रीज हो गया, उसको बढ़ाने का तरीका एक ही है, उसको वापस कांस्टेंट करने का तरीका एक ही है कि हम इसको क्या कर दें? वॉल्यूम को कम कर दें. तो यहां से आप देख रहे हो कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हमें वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रेशर कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो वॉल्यूम हमें डिक्रीज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रेशर कांस्टेंट. ठीक है, अब इसी जो भी हमारे पास डेरिवेशन है इसको हम
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से डिराइव करते हैं, मैथमेटिकली भी हम इसको प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो PV इज इक्वल टू 2/3 NM U स्क्वायर, ठीक है, और 1/3 NM U स्क्वायर अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो यू विल गेट PV इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 NM U स्क्वायर। और अब आप पुट कर देंगे E काइनेटिक इज इक्वल टू 1/2 NM U स्क्वायर, यू विल गेट PV इक्वल टू 2/3 इंटू E काइनेटिक, और E काइनेटिक जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो पुट हियर टेम्परेचर PV इट विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो यहां पे कांस्टेंट क्या क्या है, प्रेशर और ये, तो आपके पास आ गया V अपॉन T इक्वल टू 2/3 इंटू 1/P, समझ रहे हो आप, आपने V को इधर रहने दिया, T को इधर ले आए और P को ले गए उधर, तो ये आ गया हमारे पास P अपॉन T इट विल बी इक्वल टू 2/3 P। तो यहां देखो 2/3 कॉमा P दोनों ही क्या है कांस्टेंट, इसका मतलब V अपॉन T क्या आ गया भाई कांस्टेंट, एंड दिस इज चार्ल्स लॉ, यही था ना चार्ल्स लॉ, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यू विल गेट इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको उधर लेके जाएंगे इस साइन को हटा देंगे तो इट विल बी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्लियर, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये हो गया चार्ल्स लॉ, अब देखो हमने एक और लॉ भी तो किया था डाल्टन्स लॉ, चलो उसके बारे में भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है डाल्टन्स लॉ। अब देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर एक पॉस्टुलेट है जो कहता है देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, नो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स, राइट, ये पॉस्टुलेट है ना, इसका मैंने पूरा नहीं लिखा बट हिंट दिया आपको, ये पॉस्टुलेट है ना, इसका मतलब ये हुआ गैस मॉलिक्यूल्स मूव इंडिपेंडेंट ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक ही कंटेनर के अंदर 1000 मॉलिक्यूल्स एनक्लोज्ड हैं, एक दूसरे का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दे आर हैविंग नो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यही तो कहती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस कंटेनर के अंदर अगर मॉलिक्यूल्स एनक्लोज्ड हैं तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इसको इसका फर्क नहीं पड़ता, इसको इसका फर्क नहीं पड़ता, हार्डली मैटर्स, इट मीन्स एवरी मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब कि अगर इसके अंदर, ये देखो मैंने दो तरह की गैसेस एनक्लोज कर दी, एक हम स्टार से शो कर रहे हैं और बाकी मैंने डॉट से, ठीक है, तो ये वाली है ए गैस और ये वाली है बी, जब ये आपस में कोई इंटरेक्शन रखते ही नहीं तो जितनी बार ए यहां पे स्ट्राइक करेगी उससे प्रेशर आएगा पी ए, जितनी बार बी वाले स्ट्राइक करेंगे दैट विल गिव पी बी, मीन्स ए का प्रेशर अपना होगा बी का प्रेशर अपना होगा और जो पी टोटल है इट विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, सिंपल, ठीक है। तो ये थे वेरियस लॉज विच वी डिराइव फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब हम बात करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की, लेट्स सी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन है विच हैज बीन गिवन बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। आपको पता है ये नाम हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर भी लिखा था, ठीक है, तो उन्होंने ही मॉलिक्यूलर थ्योरी को पढ़ने के बाद उसकी जनरलाइजेशन देने के बाद स्टडी किया बिहेवियर ऑफ वेरियस गैसेस, उनकी स्पीड कैसे वेरी करती है,
कितने मॉलिक्यूल्स की कौन सी स्पीड होती है, क्योंकि हम हर बार किसकी बात करते हैं, एवरेज की। तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो स्टडी है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व, और उस कर्व में एक्स एक्सिस के ऊपर ये लेता है स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दिस इज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और वाई एक्सिस पे वो ले रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद अ गिवन स्पीड। फ्रैक्शन का मतलब, अगर मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल्स हैं एन, तो एन में से कितने मॉलिक्यूल्स की पर्टिकुलर स्पीड है। मान लेते हैं मेरे पास टोटल है 100 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मैं पहले आपको थोड़ा सा बताती हूँ, लेट इट बी आई एम हैविंग 100 मॉलिक्यूल्स, ओके, तो उसमें से मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड है 10, ओके, तो ये देखिए, ये रहा 10 और ये लो, राइट, ओके, अब देखिए जरा जिनकी स्पीड 20 होगी, तो वो मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं कितने, 25 और ये 30 है ना, तो लेट इट बी 27, 27 मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐसे हैं, ये मॉलिक्यूल्स है ना इधर, जिनकी स्पीड क्या है 20, ओके, लेट मी सी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर जिनकी स्पीड 60 है, 5 से भी कम, तो लेट इट बी जिनकी स्पीड कितनी है 60, तो वो है मेरे पास एटलीस्ट 4, तो आप समझे 100 में से 10 है जिनकी स्पीड 10 है, 100 में से 27 है जिनकी स्पीड 20 है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अभी मैं इसको और डिटेल में लूंगी, ये जस्ट ये जो डॉट्स है मैंने आपको समझाने के लिए लगाई हैं, अभी इनकी जरूरत नहीं है, ओके। अब जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो क्या कहता है, अब जरा आप ध्यान से देखिए, यहां पे स्पीड 0, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0, ठीक है, जब स्पीड बहुत ही लो है 0, तो मॉलिक्यूल्स कितने हैं 0, जब स्पीड बहुत हाई है लेट इट बी 85, हाई स्पीड 85 ये रही, तो देखो जरा 85 के कॉरस्पॉन्डिंग इतने से मॉलिक्यूल है, दिख रहा है सबको, 85 इसको यहां टच कर रहा है, इसको जरा एक्सटेंड करो यहां तक, तो कितना आया 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब लो स्पीड और हाई स्पीड ऐसे मॉलिक्यूल बहुत ही कम होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड बिल्कुल 0 है वो तो 0 ही है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी स्पीड 0 होगी, और ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड बहुत ही हाई है दैट इज ऑल्सो रेयर, इसको अपनी डेली लाइफ के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखते हैं, आपके क्लासरूम की बात लेते हैं, ठीक है, एक क्लास के अंदर ऐसा स्टूडेंट जिसके 0 नंबर आते हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर 0 आते हैं, कितने होते हैं, बहुत कम, आई थिंक 0, हर सब्जेक्ट में 0 इम्पॉसिबल, IQ किसी का भी 0 नहीं होता, एक नंबर तो आ ही जाएगा, ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स बिल्कुल कम आते हैं, बिल्कुल 0 आता है, वो भी बड़े कम है, और ऐसा स्टूडेंट जिसके सब में ही 100/100 आते हैं वो भी क्या होंगे, रेयर। ऐसा ही गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है, बड़ी लो स्पीड भी कम मॉलिक्यूल्स की होगी और बड़ी हाई स्पीड भी कम मॉलिक्यूल्स की होगी, ठीक है, जैसे किसी सोसाइटी के अंदर इतना गरीब इंसान कि उसको खाना भी नहीं मिलता, 0 है, कोई गरीब नहीं है, हर किसी के पास खाने का है अरेंजमेंट, ठीक है, तो बहुत रेयर होंगे, होंगे लेकिन बहुत रेयर, और बहुत ही अमीर एक्सट्रीम अरबपति वो भी कितने हैं, गिने चुने, आप अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो, टाटा बिरला एक ही है इंडिया के अंदर, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, मिडिल क्लास, ज्यादा बच्चे कौन से होते हैं क्लास के अंदर जिनके मार्क्स मिडिल उसमें आते हैं 50, 60, 70 के अराउंड, बहुत ज्यादा हाई मार्क्स 100% वाला कम, 0 वाला वो भी कम, सेम इधर भी ऐसे ही होता है, मतलब ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी लो स्पीड और वेरी हाई स्पीड आर वेरी लेस, ओके, अब ये ग्राफ कैसे है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ओके, एक पीक तक पहुंचे, एक पीक तक पहुंचे, और इस पीक के कॉरस्पॉन्डिंग मैं इसको एक्स एक्सिस पे मिलाने वाली हूं, तो ये पॉइंट आ गया,
और इसको हम बोलते हैं यूएमपी. दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. ये वो स्पीड है जिसको मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स फॉलो करते हैं. दिस इज द स्पीड विच इज अटेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मतलब ये मार्क्स के एवरेज हैं, वो मार्क्स जो मैक्सिमम बच्चे अटेन करते हैं. ठीक, ओके. उसके बाद जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घटते जाते हैं. मतलब 70%, 80%, 90% वो बच्चे कम होते जाएंगे. ठीक, तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अभी आपको क्लैरिटी होगी. बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ये क्या है, ये क्या है. ठीक है, तो इसने मैक्सवेल ने जो हमारे पास जनरलाइजेशन थी उसका जो फर्स्ट पॉइंट था दैट वॉज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब 100 में से वो मॉलिक्यूल्स विथ वेरी लो और वेरी हाई स्पीड. जितने मॉलिक्यूल हैं उसमें से वो मॉलिक्यूल्स विथ वेरी लो और वेरी हाई स्पीड इज वेरी लो. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेरी लो और वेरी हाई स्पीड इज वेरी लो, और हम इसको कहेंगे इज वेरी स्मॉल. वो फ्रैक्शन बहुत ही छोटी है जिसमें स्पीड बड़ी कम है या बड़ी ज्यादा है. ओके, दूसरी ऑब्जर्वेशन इसकी क्या थी? The fraction of molecules possessing higher and higher speeds. वो number of molecules जो high से high, higher बढ़ते जाएगी speed उसकी, higher स्पीड्स कीप ऑन इंक्रीजिंग देन इट रीचेस टू अ पीक तब तक बढ़ती रहेगी जब तक वो एक पीक तक नहीं पहुंच जाती. दिस इज called and then starts decreasing. एक पीक तक पहुंचती है and then it starts decreasing. ठीक है, अब तीसरी बात, वो कौन सी स्पीड है जिसको मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स अटेंड करते हैं? द स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. द स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू पीक नोन एज यूएमपी, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और ये वो स्पीड है जो मैक्सिमम फ्रैक्शन की होगी, 30 लोगों की होगी. देखो ये है यूएमपी, ठीक है, लेट इट बी 15 स्पीड. देखे कितने लोगों की होगी? 20 की. ओके, 60, ये देखो 60 जो 60 स्पीड है दैट इज अराउंड 5 पीपल. ओके, 70 देखें, ये रहा 70, तो 70 स्पीड बहुत कम लोगों की है, 3 लोगों की है. 80, ये रहा 80, यहां टच करेगा तो इट विल बी अराउंड 1. इस तरीके से हम निकालते हैं, इधर से स्पीड उठाई. ओके, 50 देखें, ये रही 50 स्पीड, यहां कट किया, इसको इधर को लोया, तो अराउंड 7 और 8, 8 मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी स्पीड कितनी है 50. तो स्पीड बढ़ती जाती है, स्पीड बढ़ने से नंबर बढ़ता गया, एक पीक पे पहुंचा, इसके बाद वो फिर डिक्रीज करना शुरू हो गया. मींस मैक्सिमम नंबर ये है मॉलिक्यूल्स का 30, और जो 30 लोगों की स्पीड है दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड.
आपने अपनी क्लास के सभी बच्चों के मार्क्स लिख लिए और हमने ये रेंज रखी, काउंट कीजिए कि 40 to 50 कितने बच्चे हैं, 50 to 60 कितने हैं, 60 to 70 कितने हैं। फिर हमने देखा मैक्सिमम नंबर बच्चे कौन से हैं जो एक जैसे मार्क्स ले रहे हैं। तो मेरे पास 60 बच्चों की क्लास है, आई एम हैविंग 60 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, और 60 में से देयर वर 30 स्टूडेंट्स विच गॉट मार्क्स इन द रेंज ऑफ 60 to 70। ठीक है, 30 के हैं 60 to 70 और बाकी कितने बचे 30, उसमें से 5 के कोई और हैं, 10 के कोई और हैं, 3 के कोई और हैं। तो मैक्सिमम ग्रुप है 30 लोगों का जिनके मार्क्स 60 to 70 के बीच में है। तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्क्स होंगे दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स। तो इनके अंदर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। अब स्पीड की बात कर ली हमने, कौन कौन सी तरह की स्पीड्स होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स। तो टोटल 3 तरह की है, एक मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड और वेलोसिटी। अब देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपको पता है ये क्या होती है, ये वो स्पीड है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटेन करते हैं। मैक्सवेल के अंदर आप देख कर आए, ठीक है। तो इसका मतलब इट इज द स्पीड विच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट गिवन टेम्परेचर एंड इट इज गिवन बाय UMP 2RT अपॉन M। ये फॉर्मूला है इसका, कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आता है कि इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालिए। जो भी गैस, अगर आपको हाइड्रोजन दी है तो मॉलिक्यूलर मास 2 आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड दी है तो 44 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे M क्या है, मॉलिक्यूलर मास, R इज गैस कॉन्स्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। अब देखो एवरेज स्पीड, द एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो एवरेज स्पीड क्या है, इट इज द एवरेज ऑफ द स्पीड्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, देखिए लेट N1 मॉलिक्यूल्स हैव स्पीड इज इक्वल टू U1, N2 मॉलिक्यूल्स हैव स्पीड U2, N3 मॉलिक्यूल्स हैव स्पीड U3। ऐसे निकालेंगे ना, एवरेज निकालेंगे कि हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं जिनके नंबर 40 हैं, हमारी क्लास में 15 बच्चे हैं जिनके मार्क्स अलग हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो टोटल मेरे पास कैपिटल N है, लेकिन उस N के अंदर ये वैल्यूज जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं Ni की बात करूं तो Ni की स्पीड मैं यहां लिखूंगी UI, ठीक है। अब एवरेज का क्या मतलब है, एवरेज स्पीड, और इसको हम लिखते हैं यू एवरेज, इट विल बी रिटन एज यू एवरेज। इट विल बी इक्वल टू N1 मॉलिक्यूल्स U1, N2 U2, N3 U3 अप टू NiUi डिवाइडेड बाय टोटल नंबर N1 N2 N3 अप टू NiUi। ऐसे निकालते हैं ना, मतलब ये आ गया हमारे पास समेशन ऑफ NiUi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ NiUi, ठीक है। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना, तो एक और फॉर्मूला हमारे पास रहता है यू एवरेज 8RT अपॉन पाई एम, इट इज 8RT अपॉन पाई एम। अब देखो यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज समेशन ऑफ NiUi अपॉन N। क्यों, क्योंकि N किसके बराबर है, N1 N2 N3 अप टू NiUi, सबका टोटल क्या है, कैपिटल N। तो एवरेज निकालने के लिए N1 मॉलिक्यूल को उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, N2 को उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, अल्टीमेटली हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, सबके सम टोटल को, कैपिटल N के साथ। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास रहा ये वाला 8RT अपॉन पाई एम। अब हमारे पास आ गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखिए इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब सबसे बाहर तो स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्पीड्स, स्पीड के स्क्वायर का मीन निकालना है एट गिवन
टेम्परेचर, ठीक है। तो अगेन हम उसी तरीके से लिखेंगे, लेट एन वन मॉलिक्यूल्स हैव स्पीड, इट इज यू वन एन टू यू टू एन थ्री यू थ्री और अप टू यू आई, और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास एन आई। अब देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आर एम एस वी किसके बराबर आएगा, इट विल बी एन वन यू वन स्क्वायर एन टू यू टू स्क्वायर एन थ्री यू थ्री स्क्वायर अप टू एन आई यू आई स्क्वायर, और इसका क्या लेंगे हम स्क्वायर रूट, और नीचे क्या आएगा एन वन एन टू एन थ्री अप टू एन आई। दिस इज द मीनिंग ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब हमारे पास आ गया आर एम एस वी इट विल बी इक्वल टू, अब मैं इसको अगर शॉर्ट में लिखूं तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ किसका, समेशन एन आई यू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एन आई, ये किसके बराबर होगा समेशन ऑफ एन आई यू आई स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन। तो दिस इज यू आर एम एस वी, और जैसा बाकियों में हमने वैल्यूज निकाली ना इसमें भी हम निकालेंगे, तो इट इज 3 pv upon m अंडर रूट। तो u r रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इट इज गिवन बाय 3 rt upon m, ठीक है। अब देखो 3 rt upon m, rt किसके बराबर होता है, pv इज इक्वल टू एन आर टी, तो ये वैल्यू आर टी की जगह पे आप लिख सकते हो और 3 pv upon m, यू कैन राइट 3 pv upon m। तो इट इज टू सिंपल डेफिनेशन आती है, और या तो फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, फॉर्मूला इज टू सिंपल। अब हमारे पास ना इनका रिलेशनशिप भी है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो मैं इसको हटा देती हूं, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है लेट मी टेल यू, क्योंकि ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं वो कहीं से भी आ जाते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स, ठीक है, एक लाइन का आंसर है। तो देखिए जो हमारे पास एवरेज स्पीड है इट इज इक्वल टू 0.9213 ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा एवरेज के बराबर, एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इट इज हैविंग रिलेशनशिप विद 0.816 URMS, 0.816 into root mean square velocity, and तीनों में relationship, this is ratio of most probable speed into average into root mean square velocity, तो it is 1:1.128। ये अगर 1 है तो इट विल बी 1.128 एंड इट विल बी 1.224। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन 3 types ऑफ वेलोसिटीज, एवरेज और आरएमएस मोस्ट प्रोबेबल एंड आरएमएस मोस्ट प्रोबेबल एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। ओके नाउ A question is, what is the relationship between Fahrenheit scale and Celsius scale?
दोनों में क्या रिलेशनशिप है? आप छोटी क्लासेस से ये करते आ रहे हो, ठीक है, एक दो बार एग्जाम में आया है इसलिए मैं इसको आप लोगों को बता रही हूं। तो ये रहा रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल। क्वेश्चन इज एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर बोथ सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल विल हैव सेम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, दिस इज द क्वेश्चन। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको? सेल्सियस और फारेनहाइट, आप इसको एक वैल्यू मान लीजिए, लेट इट बी एक्स, ए बी एम, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। लेट एक्स इज द टेम्परेचर, लेट सी और एफ इक्वल टू एक्स, क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए, तो पुट करो इसमें एक्स इक्वल टू नाइन, फाइव अपॉन नाइन इंटू, अगेन देर विल बी एक्स माइनस 32, 9x, इट विल बी इक्वल टू 5x माइनस 5 टू जार 10, 5 थ्री जार 15 प्लस 1 16, तो इट विल बी 9x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 160, तो इट विल बी 4x इक्वल टू माइनस 160, x will be equal to 160 upon 4, 4 4s are, so it will be minus 40 degrees, x ki value aa gayi minus 40 degree, to at minus 40 degree Celsius and Fahrenheit will have same value of temperature, theek hai। तो दोनों ही स्केल्स इस टेम्परेचर के ऊपर उनकी रीडिंग सेम होगी। जब माइनस 40 डिग्री होगा तो सेल्सियस में भी माइनस 40 होगा और फारेनहाइट के अंदर भी, उसकी स्केल के अंदर भी माइनस 40 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, रूट मीन स्क्वायर या एवरेज छोटे वाले फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने को, निकालने को बोला जाएगा, या दोनों का कंपैरिजन पूछा जाता है एक एक नंबर के अंदर, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसके तीन पॉइंट्स हैं वो पूछे जाते हैं। तो आपने वीडियो को अच्छे से समझना है, सुनना है, और जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपको लगते हैं डू नोट दैट। और किस तरीके से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उससे आप बॉयल्स लॉ डिराइव कर सकते हो, चार्ल्स लॉ डिराइव कर सकते हो, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स जो है उसको भी डिराइव कर सकते हो, सारी की सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज 400 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट सेम टेम्परेचर। ये गिवन है, ये निकालनी है, ये फॉर्मूलाज हैं आपके पास, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, एवरेज डिवाइड बाय आर एम एस, देन वी विल गेट। अब निकालनी कौन सी आपको, ये वाली, तो इसको ऊपर रख लेते हैं। सो दिस इज वन, दिस इज टू, तो सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, यू विल गेट यू आर एम एस अपॉन यू एवरेज, इट विल बी। अब देखो मैं अंडर रूट को कॉमन करने लगी, या चलो पहले मैं अलग अलग ही लिख लेती हूं, इट विल बी अंडर रूट 3 RT अपॉन m डिवाइडेड बाय अंडर रूट 8 RT अपॉन पाई m, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, अब मैंने अंडर रूट को कॉमन कर दिया, यू विल राइट 3 RT अपॉन m इंटू पाई m अपॉन 8 RT, एम आई राइट? m से m कैंसिल, RT से RT कैंसिल, तो हमारे पास आ गया RMS अपॉन यू एवरेज, इट विल बी अंडर रूट 3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 8, यही आया। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे 3 × 3.14, यू विल गेट, चलो मैं नहीं बताऊंगी, आप मेरे को इसका आंसर निकाल के दीजिए, ठीक। तो ये आ गया यू आर एम एस अपॉन यू एवरेज। अब जो भी वैल्यू आपके पास उधर आएगी,
आपको उसमें एवरेज वेलोसिटी गिवन है, ये वैल्यू गिवन है। अब मान लीजिए इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाता है ए, तो यू आर एम एस किसके बराबर होगा, ए इंटू यू एवरेज, तो ए इंटू क्या आ जाएगा आपके पास 400। ठीक है, तो अब आपका काम है इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 है और उसका स्क्वायर रूट निकाल कर मुझे आंसर भेजना है आपने। ठीक है, 8 को तो आप नीचे अकेला 2 रख सकते हो, 2 निकल के बाहर आ जाएगा, हिंट बता रही हूं, 8 को आप 2 into 2 into 2 करके 1/2 आपके पास बाहर आ जाएगा, तो मेरे को सॉल्व करके भेजना, नहीं होगा देन आई विल एक्सप्लेन। अब दूसरे में वो कह रहा है कैलक्यूलेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मीथेन। ओके, मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला CH4 मींस इसका मोलर मास क्या आ गया, 16+4 कार्बन, 12+4 इट विल बी 16 ग्राम। ओके, हमें पता है U रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, 3RT/m अंडर रूट। ओके, यहां पे T आपको गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, मींस 273+27 इट इज 300 केल्विन, टेम्परेचर आपके पास आ गया 300 केल्विन, मोलर मास आपने निकाल लिया 16, अब बचा क्या R, इट इज 8.314 × 10⁻¹⁷। ठीक है, अब पुट कर दीजिए वैल्यूज, यू विल बी गेटिंग आर एम एस, इट विल बी 3 × 8.314 × 10⁻¹⁷ डिवाइडेड बाय 16। फिर से इसके आगे का आप स्वयं करेंगे, इसका आंसर निकाल के मुझे आप लोगों ने भेजना है कितना आएगा। ठीक है, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, कैलक्यूलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट −23 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखिए ई काइनेटिक आपने फॉर्मूला डिराइव किया था, इट वॉज इक्वल टू 3/2 nRT, याद है, इट वॉज 3/2 nRT। ओके, अब देखो यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पे ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है, गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन 2 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 32 ग्राम, O2 होता है ना, 32 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हुए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मींस 1/16 मोल्स, n की वैल्यू आ गई 1/16। ओके, R 8.314 जूल पर केल्विन, T टेम्परेचर आपको गिवन है 23 डिग्री सेल्सियस माइनस, इसका मतलब इट विल बी इक्वल टू 273 - 23, इट विल बी 250 केल्विन। बस पुट कर दीजिए वैल्यू, यू विल गेट E काइनेटिक, इट विल बी 3/2 × n की वैल्यू 1/16 × 8.314 × 250। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट, मैं आंसर नहीं बताऊंगी। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, डोंट यूज कैलकुलेटर, ट्राई टू इंप्रूव योर स्पीड और मेक यूज ऑफ लॉग टेबल्स, और लॉग टेबल नहीं यूज करना है, विदाउट लॉग टेबल भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यू कैन वॉच माई वीडियो दैट इज ऑन एंटी लॉगरिथम एंड लॉगरिथम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे सॉल्व करके भेजना। चलिए एक और टिपिकल सा क्वेश्चन देखते हैं, कैलक्यूलेट टोटल एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 32 ग्राम ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स। ओके, अब जरा पहले एवरेज और टोटल में डिफरेंस देखिए क्या है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नॉर्मली ये फॉर्मूला क्या है, ई काइनेटिक इज इक्वल टू 3/2 nRT, एन होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालने के लिए ये एन की वैल्यू 1 नहीं होगी, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन होंगे
आप उसको डिवाइड करोगे एवोगैड्रो नंबर के साथ तो क्या आ जाएगी, एवरेज। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। जो भी आपके पास फॉर्मूला है 3/2 RT, ठीक है। अब यहां नंबर ऑफ मोल्स नहीं लेंगे आप, क्योंकि एवरेज है, सारे के सारे आ गए, तो जितनी एनर्जी आई वो सबकी आई और उसको आपने नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, यू विल गेट एवरेज। तो यहां पे आर आपको गिवन है 8.314, टेम्परेचर आपको गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, मींस 23 + 27 इट इज 300 केल्विन, और Na इट इज 6.02 × 10⁻²³। पुट ऑल द वैल्यूज, यू विल गेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ई काइनेटिक इट विल बी 3/2 × 8.314 × 300 / 6.02 × 10⁻²³। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना है। टाइम एंड अगेन आई विल टेल, डोंट मेक यूज ऑफ कैलकुलेटर्स। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं हल्का सा आपको बताती हूँ। जैसे ये रहा 8.314, इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, राइट इट 8.3, और सेम उसी तरीके से नीचे वाली वैल्यू को भी आप कन्वर्ट कर लीजिए 6.0। गॉट माई पॉइंट? ठीक, इस तरीके से आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, वैल्यू को थोड़ा सा अप्रोक्स में ला सकते हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके मुझे आप लोगों ने आंसर रिटर्न करना है। चलिए मैं आंसर बता देती हूँ, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप जब आप उसको सॉल्व करेंगे। जैसे इसको आपने 2 को 150 कर दिया, ठीक है, एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, इनकी जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। ठीक, तो उस तरीके से आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट 6.21, इट विल बी 6.21 × 10⁻²⁻³ जूल्स। पर ये कैसे आया, डेसिमल आगे पीछे करना पड़ता है, मेरे को पूरा सॉल्व करके भेजना आपने स्टेप बाय स्टेप, जो कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल इसके साथ करना। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल किसकी, 32 ग्राम मीथेन मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, अब यहां पे अगेन फॉर्मूला वही है, ई काइनेटिक इट इज इक्वल टू 3/2 NRT। अब यहां नंबर ऑफ मोल्स आए, और एन किसके बराबर है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि अब सिर्फ उसी की वैल्यू आएगी जो उसने पूछी है, टोटल कितनी है, एवरेज तो सबकी आ गई। तो यहां पे गिवन मास है कितना, 32 ग्राम, और आपको पता है मीथेन है ना, तो मीथेन का मोलर मास इज 16, तो इट विल बी 32/16, 2 नंबर ऑफ मोल्स आ गए, 2, बाकी सब गिवन है। ई काइनेटिक विल बी 3/2 × 2 × 8.314 × 300, है ना, सिंपल, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो थोड़ी हेल्प मैं कर देती हूं, 2 को 2 से काट दिया, ठीक है, 3 × 3 = 9, 900 × 8.314। तो आप क्या करेंगे, डोंट मल्टीप्लाई विद 8.314, जस्ट मल्टीप्लाई 900 विद 8.3, इट विल गिव यू द एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, उसके बाद ज्यादा डेसिमल्स हो 2 डेसिमल प्लेस तक ले आइए, राइट, तो इसका आंसर भी मुझे निकाल कर भेजना। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, तो एग्जाम में, नीट में, जेई में आने के फुल चांसेस रहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, लेकिन तब तक आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन सो दैट हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप प्रैक्टिसिंग।